जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए और इन्हीं कहानियों को आपको देखा जाता है। सवेरे से बारिश की बहार थी, मन बड़ा ही बेकरार था। बार बार रह रहकर तारानाथ के घर जाने का विचार आ रहा था, तभी अचानक भगवान प्रकट हुए। जी हाँ, किशोरी भगवान। मुझे देखते ही बोले, अरे क्या कर रहे हो भाई? और क्या, संडे का दिन है, छुट्टी बीते भी नहीं बीत रही है, बाहर बारिश है, बाहर जा नहीं सकते, तो फिर चलो तैयार हो। हाँ, कहाँ? और कहाँ, तारानाथ के घर। मुझे तो जैसे मनमांगी मुराद मिल गई, बस हम दोनों निकल पड़े। करीब आधे घंटे बाद हम तारानाथ के दरवाजे पर थे। अपने पुराने अंदाज पे तख्तपोश पे बैठे तारानाथ बोले, अरे आओ आओ आओ, आज तुम लोगों के लिए मन बड़ा व्याकुल हो रहा था, कह रहा था आज तुम लोग आओगे। अरे बेटी चारी, देख तेरे चाचा लोग की छाते पूरे गीले हो गए, इन्हें जरा अंदर ले जाकर मेल दे। अचानक चारी प्रकट हुई। हम दोनों आश्चर्यचकित थे। अरे तू? हाँ, मन नहीं लग रहा था तो बाबा के पास दो दिन के लिए आई हूँ। अरे वाह, चलो अच्छा ही हुआ। हाँ लाइए, आप लोगों को छाता दे दीजिए, मैं जरा उधर सुखा दूँ, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। अरे चिंता की कोई बात नहीं, तेरे काका बाबू लोग आज रात भर यहीं रहेंगे, तू झट से खाना बना ले। हाँ, रात भर यहीं रहेंगे? आखिर अचानक इस तरह का निमंत्रण क्यों? क्योंकि आज जो घटना तुम लोगों को मैं बताने वाला हूँ थोड़ी लंबी है, और पूरा सुने बिना तुम लोग जाने वाले हो नहीं तो देर रात हो जाएगी, फिर इतनी रात को कहाँ घर जाओगे, कल ही सवेरे जाना, चलो बैठो बैठो। हम दोनों तख्तपोश पर बैठ गए। हास तो जैसे हर बात की मंगाने की मुराद मिल रही थी। एक तरफ तारानाथ के घर आना हो गया, दूसरी तरफ तारानाथ खुद कह रहे हैं कि घटना सुनाएंगे, वो भी लंबी, रात भर रह जाओ, वाह 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 वाह। थोड़ी देर में चारी चाय दे गई। चाय की चुस्कियां खत्म करके तारानाथ बोले, तो घटना पर आता हूं। घटना आज से कई साल पहले की है, समझो जब मधुर सुंदरी देवी के दर्शन हो गए, थोड़ा बहुत तंत्र का भी ज्ञान हो गया था। मधुर सुंदरी देवी ने हालांकि वरदान दिया था कि मुझे भोजन और कपड़े की कभी कमी नहीं होगी, परंतु इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं हाथों पर हाथ धरे बैठे रहता। उस समय जवान शरीर था, इसलिए काम खोजता रहता और जहां भी कुछ पूजा पाठ का काम मिलता अवश्य कर लेता। ऐसे में मेदनीपुर के जमींदार साहब का संदेश आया, उनके घर के पास कुछ जमीन खाली थी, वहां पर वो अपना एक नया प्रसाद और मंदिर बनाना चाहते थे, इसलिए जमीन की वास्तु पूजा करने के लिए मुझे आमंत्रण दिया था। अब उस समय आज की तरह कार बस वगैरह टैक्सी वगैरह तो थे नहीं, बैलगाड़ी और पैदल यही दो साधन थे आवागमन के। हिष्ट पुष्ट शरीर तो मेरा था ही, ऊपर से खाने पीने का भी मैं काफी शौकीन था। अब जमींदार घर की आव भगत समझ सकते हो, उस समय तो एक पूरा बकरा हजम कर डालता था, बस पांव के सहारे चल पड़ा जमींदार के घर की ओर। चलते चलते काफी दूर निकल गया। एक गांव में पहुंचते पहुंचते शाम ढल गई। उस समय जानते ही हो मेहमानों का बड़ा आदर होता था, ऊपर से ब्राह्मण, तो एक व्यक्ति के घर में रात भर के लिए पनाह मिल गई। नाम था शशिकांत। मुझे पैर धुलवाकर कमरे में ले गया। उस समय मेहमानों के पैर धोए जाते थे। कमरे में बैठाकर अचानक कुछ देर के लिए गया, वापस आया तो आकर बोला, महाराज आप आमिष भोजन करते हैं ना? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मैं वो निरामिष खाने वाला ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं तांत्रिक ब्राह्मण हूँ, सब चलता है। हाँ ठीक है ठीक है, असली में मछली बनवा रहा हूँ। आप लोग क्या लगता है आमिष ज्यादा खाते हैं?
है वो मछली, जरा पीछे एक बड़ा सा तालाब है, मछलियां है, जब चाहो तब मिल जाती है, बस स्वादिष्ट मछली खाकर आप तृप्त हो जाएंगे। कहते कहते अचानक एक 17-18 साल की दिव्य रूप कन्या कमरे में प्रविष्ट हुई। वो बोला, हे ये मेरी बेटी रूपमती, जैसा नाम वैसा रूप है इसका। लड़की के सिर्फ नाम और रूप ही नहीं, संस्कार भी बहुत अच्छे थे। पानी का गिलास पास में रखकर उसने मुझे सष्टांग प्रणाम किया। उसके बाद जब वो जाने लगी, अचानक मेरा मन धक्क से होकर रह गया। अब तुम लोग तो जानते हो कि किसी अशुभ वस्तु की उपस्थिति का मुझे पता चल ही जाता है। लड़की जब जा रही थी तो उसके पीठ के पीछे मुझे काले धुएं की एक कुंडली दिखाई दी। ये तो अच्छी बात नहीं, प्रेत की उपस्थिति के निशान थे। ऊपर से जाते जाते जैसे वो कुंडली एक इंसानी चेहरे में बदल गई। वो चेहरा मुझे देखकर हंस रहा था, हास की हंसी। शशिकांत बोले, महाराज अगर आपके पास कोई अच्छा रिश्ता हो तो बताइएगा, 2 साल से कोशिश कर रहा हूं मगर सफलता नहीं। ना जाने लड़की के भाग में का लिखा है। क्यों, आपकी लड़की तो रूप गुण संपन्न है, फिर क्या भाग भी तो होना चाहिए महाराज। कई जगह बात चलाई, लड़के वाले आकर देखते हैं, बहुत पसंद होती है, मगर 2 दिन बाद खबर आती है कि उन्हें रिश्ता पसंद नहीं। कारण कोई नहीं बताता है। परेशान हो गया हूं महाराज। मैंने मन ही मन प्रण किया कि जमींदार के यहां से जब लौटूंगा तब जाते जाते इस बच्ची का उद्धार कर जाऊंगा और उस प्रेत को उसके जीवन से छुड़ा जाऊंगा। असल में ये प्रेत ही लोगों की मति भ्रष्ट कर रहा है, जिसकी वजह से उसका विवाह नहीं हो पा रहा। अगली सुबह जमींदार के घर की तरफ निकल पड़ा। फिर लंबा रास्ता, धूप भी तेज थी, ऊपर से आसपास कोई गांव तालाब इत्यादि नहीं दिख रहा था। प्यास के मारे गला जैसे सूखा जा रहा था, थकान भी हो गई थी। तभी एक बड़ा सा वट का वृक्ष दिखा। उसी की तली में जाकर उसकी मोटी सी जड़ में सर रखकर लेट गया। थकान इतनी थी कि नींद आने लगी। प्यास से गला सूखा जा रहा था, भूख के मारे पेट में हथड़ियां कुलबुला रही थी, मगर थकान इन सब पर भारी थी। उसी हाल में नींद से आने लगी। तभी अचानक आश्चर्य, मैं अर्ध निंद्रा अवस्था में महसूस कर रहा था कि मैं अब उस सख्त जड़ पर सर रखे हुए नहीं हूं, अपितु किसी की कोमल गोद में मेरा सर है। सुगंध से महसूस हुआ कोई नारी है, उसके कोमल हाथ मेरे माथे पर सहला रहे थे। नींद खुल नहीं रही थी मगर अनुभूति स्पष्ट थी। अचानक वो हाथ धीरे धीरे मेरे सीने की तरफ चले गए। आश्चर्य, प्यास मिट गई, भूख खत्म हो गई, पता ही नहीं चला ये सब क्या हो रहा है। मैं अत्यंत गहरी निंद्रा में चला गया। नींद खुली तो शाम ढलने को थी। किसी तरह से उठकर एक जीर्ण शीर्ण मंदिर में रात बिताई। असल में वो महिला मधुर सुंदरी देवी ही रही होगी। उन्होंने कहा था मुझे भूख और प्यास कभी नहीं सताएगी। अब और कोई उपाय ना देखकर वो स्वयं ही आई थी, मेरी भूख और प्यास मिटा गई। अब भूख प्यास बिल्कुल भी नहीं थी, सो रात मंदिर में सोकर ही बिता लिया। अगली सुबह जमींदार के घर पहुंचा। मुझे दरवाजे से आते देखकर ही जमींदार दौड़ कर आए, मेरे पैर धोकर घर के अंदर ले गए। आहा क्या सुंदर राजप्रसाद! नीचे
नाच घर, बैठक, कचहरी, सीढ़ियों से ऊपर जाना था। ऊपर 8-10 कमरे थे। यहीं पर जमींदार और उनके बच्चे वगैरह रहते थे। सबसे आखिरी कमरा जमींदार का था। एक कमरे में मुझे ले जाया गया। अंदर अत्यंत सुव्यवस्था थी, नरम बिस्तर, सर रखते ही नींद सी आ गई। थोड़ी देर में जमींदार एक महिला के साथ प्रकट हुए। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। पता चला महिला उनकी पत्नी है। जमींदार ने मेरी किसी तकलीफ तो नहीं हो रही इस सब विषय में जानकारी ली। फिर मुझे अपने नौकर के साथ पीछे की तरफ तालाब में स्नान कराने के लिए कहा। थकान से हाल तो बेहाल था ही, स्नान बहुत आराम देने वाला था, इसलिए मैं दौड़कर चला गया। नौकर को निर्देश दिया गया था कि जब तक मैं स्नान न कर लूं तब तक मेरे वस्त्र पकड़कर और साबुन इत्यादि मुझे देने का काम करते हुए वो तालाब के पास ही खड़ा रहे। जानते ही हो मैं गांव का लड़का, तालाब कितना भी गहरा क्यों ना हो मुझे कभी डर नहीं लगा, परंतु इस तालाब में उतरने के बाद अनुभूति कुछ अच्छी नहीं थी। एक अजीब सा अनमनापन था। तालाब के पानी में नहाकर भी जैसे स्फूर्ति नहीं आई। बाहर निकल ही रहा था कि अचानक मैंने जो सामने देखा उसने मुझे उस पल को भयभीत कर दिया। मेरे सामने पानी में धुएं की वही कुंडली थी और वही इंसानी चेहरा, जैसे मुझे देखकर हंस रहा हो, कह रहा हो तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर आश्चर्य, शशिकांत के गांव और जमींदार के गांव में कई कोसों का अंतर था। एक ही प्रेत दोनों जगह पर मुझे कैसे दिख रहा था, मैं आश्चर्यचकित हो गया। तुम लोग तो जानते हो मैं हमेशा कात्रबंधन में रहता हूं, मधुर सुंदरी देवी ने कहा था हमेशा अपने शरीर को बांध के रखना और एक जादुई धागा दिया था और कहा था इसे अपने हाथों में हमेशा बांधे रखना। शायद इसी का प्रभाव था कि पानी में उतरने के बाद मुझे ऐसा अनुभव हुआ था कि कोई अशुभ शक्ति मेरे शरीर में प्रवेश करना चाहती है, परंतु मेरे शरीर में वो प्रविष्ट नहीं हो पा रही थी। अच्छा, उस समय आपको कैसा लग रहा था, अचानक विभूति ने प्रश्न किया। तारानाथ बोले, ये अनुभव साधारण अनुभव जैसा नहीं था। पानी में उतरते ही मुझे ऐसा लगा जैसे कोई अपने हाथों से मुझे दबाए हुए है। बहुत ज्यादा दबाव महसूस कर रहा था, मगर ये हाथ तुम्हारे मेरे हाथों की तरह नहीं है, अभी तो बहुत सारे हाथों की शक्ति है, जैसे एक साथ बहुत सारी शक्ति मुझे दबाने का प्रयास कर रही थी। मन ही मन मैंने चिंतन किया कि एक से अधिक हाथों वाली कोई अशुभ शक्ति है क्या, पर माँ दुर्गा के अलावा किसी और का ध्यान मन में नहीं आ रहा था। पर ये तो अशुभ शक्ति है, फिर क्या। ऐसे ही सोचते हुए जल्दी से तालाब से बाहर निकल आया। ज्यादा समय तालाब में रहना उचित न था। तुरंत ही पास खड़े नौकर के हाथों से कपड़े लेकर पहन लिए और जमींदार के घर की तरफ लौटने लगा। दरवाजे पर ही जमींदार मिल गए। बोले, महाराज स्नान कैसे किए। मैंने कहा, अच्छा, उस समय असली बात को मैं दबा गया। हालांकि सच्चाई मैं कभी छुपाता नहीं हूं, पर उस समय कहकर मैं घर के लोगों को डराना नहीं चाहता था। फिर दोपहर का खाना, क्या बताऊं, जमींदार घराने का खाना अगर तुम खा लो। उस समय मुझे खाना भी अच्छा लगता था और खाकर हजम भी कर पाता था। पेट भर के भोजन किया और दिल खुश हो गया। फिर कमरे में लौटा तो सुगंधित मुखवास और वाशिंग सोप सिगरेट मेरे पास रखी हुई। मन एक तरह से प्रसन्न ही हो उठा था। फिर दोपहर को एक लंबी नींद मारी। शाम के करीब जमींदार मेरे पास आकर बैठे। बोले, महाराज असल में हमारा जो ये जमींदार वंश है ये काफी पुराना है। रमाकांत दत्त मेरे पूर्व परदादा हैं, उन्होंने ही इस घर को बनाया था। हमारे यहाँ वंश परंपरा से माँ काली की पूजा होती आ रही है। मैं भी माँ काली का बहुत बड़ा भक्त हूँ। कहते हैं हमारे
परदादा को माँ काली ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए थे और आदेश दिया था पूजा करने का। तब से ही माँ काली की पूजा हमारे यहाँ हो रही है। तब इस इलाके में एक दुर्दांत डाकू था, विशु डाकू। कहते हैं वो इतना भयंकर था कि लोगों से धन धान्य लूटने के बाद भी उनकी हत्या करके ही छोड़ता था। दया ममता जैसे उसके दिल पर थी ही नहीं। एक रात उसने हमारे घर पर भी आक्रमण किया। दादाजी माँ काली के भक्त मंदिर में ही रहते थे, उन्होंने अपने आप को मंदिर में बंद कर लिया, मगर विशु डाकू ने दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया और जैसे ही दादाजी को मारने के लिए खड़ग उठाया, अचानक ही न जाने क्या हुआ, खड़ग फेंक कर वो दादाजी के चरणों में लौट गया और उसके साथ साथ उसके सारे साथी भी थर थर कांपने लगे। समझ में नहीं आया कि इतने खूंखार डाकुओं ने हमला करने के बाद भी कुछ अघटन क्यों नहीं घटाया, अपितु थर थर कांपते हुए घर से भाग गए। इसके बाद तो धीरे धीरे उस इलाके से विशु डाकू और उसके साथी जैसे गायब ही हो गए। एक रात को माँ काली ने दादाजी को दर्शन देकर कहा, मैंने ही तेरे घर से डाकुओं को भगाया है, अब उनका इस इलाके से भी नाम और निशान मिट जाएगा। तू अपने घर में मेरा एक मंदिर बना और उसमें मेरी पूजा चालू कर, मुझे अपनी भक्ति से अपनी पूजा से संतुष्ट कर, तेरी जमीन जायदाद सबकी रक्षा मैं करूंगी, कोई भी अशुभ शक्ति तेरे इन वस्तुओं को छू नहीं सकेगी। तब से ही हमारे घर में माँ काली की पूजा नियमित हो रही है। मेरी बेटी विद्यावती भी माँ की बहुत बड़ी भक्त है, वो नियमित मंदिर में जाकर पूजा करती है, मगर समय के साथ अब मंदिर भी थोड़ा जीर्ण शीर्ण हो गया है, आसपास की ईंटें गिरने लगी है और दीवाल से पीपल और वट के पेड़ निकलते जा रहे हैं। अब पिछले दिनों ही विद्यावती पूजा करने जा रही थी कि अचानक मंदिर के प्रांगण में उसका पैर एक बहुत ही खतरनाक विषधर पर पड़ते पड़ते बच गया। वो तो भय से कांप उठी और उस दिन से ही उसने कह दिया कि अब उस मंदिर में पूजा करने नहीं जाएगी। हम लोग भी उस तरफ नहीं जा रहे हैं डर के मारे, एक हफ्ते से माँ की पूजा बंद है। इसीलिए मैंने सोचा है कि हमारे घर के इस तरफ खाली जमीन में माँ का एक सुंदर मंदिर बनवाऊंगा और पास में ही एक अपने लिए भवन बनवाकर वहीं हम लोग रहेंगे। मैंने उस जमीन पर आदमियों को लगाकर जंगल झाड़ी वगैरह साफ करा के रखी। मंदिर बनने और घर बनने से पहले एक भूमि पूजा कराना चाहता हूँ ताकि अशुभता नष्ट हो जाए, और ये काम आप ही को करना पड़ेगा, इसीलिए आपको यहाँ बुलवाया है। बिल्कुल, मैं ये है कि पहले एक बार उस जमीन को देखना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, कब जाएंगे कहिए? कल सवेरे। उसके बाद फिर मैं आपको कुछ सामग्रियां लिख कर दूंगा पूजा के लिए, वो आपको मंगा कर देनी होगी। अरे बिल्कुल बिल्कुल, आप आदेश बस कीजिए, सारे सामान आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे। भूमि पूजन एक बहुत पवित्र पूजन है, जमीन में अगर कोई दोष इत्यादि रहे तो इस पूजन से सब कुछ नष्ट हो जाता है और भूमि शुभ होती है। मैं जमीन को इसलिए देखना चाहता था कि आखिर उसका दिशा इत्यादि किस तरफ है, इन सब बातों का पता चल जाए तो फिर विशेष तरह की पूजा की जाती है। भूमि में दिशा ज्ञान के आधार पर ही अलग अलग तरह की पूजा होती है और उसी के हिसाब से फिर दिन नक्षत्र आदि व्यवस्थित करना होता है। कौन सा दिन किस जमीन की पूजा के लिए हो, ये नियत करना अत्यंत कठिन और महत्वपूर्ण कार्य है। वैसे भी तुम लोग तो जानते हो कि हर एक पूजा का एक लग्न और समय होता है, तो कौन सी पूजा किस समय के अंदर संपन्न करनी है, इस बात का निर्धारण करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। पूजा को उचित समय पर प्रारंभ करके उचित समय के अंदर संपन्न कर लेना अत्यंत आवश्यक होता है, नहीं तो पूजा में त्रुटि रह जाती है और फिर इसका फल बहुत बुरा मिलता है। जिस देवता को नियत करके ये पूजा की जा रही है वो भी अप्रसन्न हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप बहुत से अघटन, शाप, कष्ट इत्यादि को भोगना पड़ता है। थोड़े और शाम ढलने पर जमींदार की बेटी विद्यावती को देखा। जमींदार के एक बेटा एक बेटी है। मैंने उनके बेटे के बारे में जानना चाहा। वो बोले, मेरा बेटा बहुत मेधावी है, बिलाट पढ़ने गया है, अब ये परसों ही लौटेगा। क्या नाम है उसका? जयंत। अरे वाह, बहुत अच्छा नाम है, क्या पढ़ रहा है? हमारे खानदान में सभी वकील हैं, मेरे पिताजी भी वकील थे, मैं भी, इसलिए
बेटे को भी वकालत पढ़ने ही भेजा है। पढ़ाई में बहुत बुद्धिमान है मेरा बेटा। अभी खबर मिली है कि इस बार परीक्षा में सबसे अधिक अंक पाया है उसने। वहाँ मेरा मान सम्मान बहुत बढ़ाया है, इसके साथ साथ गांव में भी मेरी ख्याति को तिगुना कर दिया है। आपने तो अपनी वंश परंपरा अनुसार उसे वकालत पढ़ने भेजा, पर क्या उसका मन वकालत पढ़ने में था? मेरा बेटा मेरा बहुत आज्ञाकारी है महाराज, उससे मैंने जो कहा उसने वो किया। हालांकि एक बार उसने कहा था कि उसका मन डॉक्टरी पढ़ने का है, गांव में अच्छे डॉक्टर नहीं है ना, तो डॉक्टर बनकर गांव वालों की वो सेवा करना चाहता था। पर जब मैंने उसे अपनी वंश परंपरा की बात कही तो फिर दोबारा उसने इस बारे में मुझसे कभी चर्चा नहीं की और चुपचाप वकालती की पढ़ाई करने चला गया। मगर महाराज बात क्या है, क्या मैंने बेटे को वकालती पढ़ने भेजकर कोई भूल की है? भूल या सही ये तो मैं नहीं जानता, मगर कहीं पर किसी कुछ खराब की इंगित मिल रही थी, मगर ये क्या है समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मन में एक कसमसाहट जन्मी हुई है, इसीलिए आपसे पूछ लिया। इसके बाद रात को भी दबा कर खा कर मैं सोने चला गया, बहुत गहरी नींद में था। अचानक रात में नींद टूट गई, ऐसा लगा घर के चारों ओर कोई टहल रहा है और बहुत जोर जोर से सांस छोड़ रहा है। ये सांस किसी साधारण इंसान की सांस नहीं हो सकती, बहुत दूर तक जा रही है वो सांस और उसकी आवाज आ रही है, साथ ही ऐसा लग रहा है जैसे बहुत गुस्से में है, बहुत लंबे समय का गुस्सा कोई दबाए बैठा है। साथ ही कदमों की आवाज बहुत भारी थी, साधारण इंसान के कदम ऐसे भारी नहीं हो सकते। तभी अचानक एक बहुत ही गंदी सी बदबू आई, समझ में आया कि बाहर जो भी टहल रहा है वो कोई अशुभ शक्ति है और मेरी उपस्थिति उसे समझ में आ गई है, इस वजह से वो घर में प्रविष्ट नहीं हो पा रहा है, अन्यथा वो जरूर घर में घुसा चला जाए आज की रात। इसके बाद मुझे रात भर नींद नहीं आई, फिर सवेरे बहुत भोर में ही उठ गया। तुम लोग तो जानते हो बचपन से ही मुझे भोर में उठने की आदत है और वैसे भी स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। सवेरे 8 बजे करीब जमींदार साहब एक आदमी को साथ में ले हुए मेरे कमरे में आए, मुझसे बोले, महाराज ये शशिधर है, इसी ने उस जमीन की साफ सफाई की है, असली में बहुत समय से खाली पड़ी थी ना तो जंगल सा हो गया था, इसने सब कुछ साफ सफाई करके रखा है। चलिए आप जमीन देखकर वहाँ एक छोटी सी पूजा कर दीजिए, फिर जो भी विशेष सामग्री इत्यादि लगेगा उसके साथ वहाँ पर विशेष पूजा करवा लेंगे। घर के पास से ही एक पतली पगडंडी सी जाती थी जहाँ से उस जमीन को जाते हैं, सबसे पहले शशिधर फिर जमींदार साहब और सबसे पीछे मैं चला जा रहा था। जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था मुझे महसूस हो रहा था कि चारों तरफ से वो काला धुआं छाता जा रहा है, जैसे जैसे उसने इस घर को अपनी पाश में बांध रखा है, और जब कोई ऐसी शक्ति किसी जगह पर इकट्ठा होती है तो फिर उस जगह का नुकसान करने के लिए होती है। मगर क्यों और ये है क्या, मन में ढेर सारे प्रश्न उड़ रहे थे। आखिर क्या नुकसान ये करना चाहती है और क्यों और कब, क्या मेरी आंखों के सामने ही कोई नुकसान हो जाएगा और मैं चुपचाप देखता रहूंगा, इसका कोई उपाय ना कर सकूंगा, आखिर ये अशुभ शक्ति चाहती क्या है? समझ गया, पूजा जब करूंगा उसी के माध्यम से इसकी मंशा जान लूंगा, इसलिए जमीन को जरा अच्छे से घूम घूम कर देखने लगा। जमीन उत्तर पश्चिमी थी और साधारण रूप से ऐसी जगह पर मंदिर या घर बनाने पर वो शुभ नहीं होता है, परंतु अगर जमीन की वास्तु पूजा अच्छे से की जाए तो वहां की अशुभ शक्तियों को नष्ट करके शुभ शक्ति को उस जमीन पर प्रतिस्थापित करके जमीन को शुभ किया जा सकता है। घूमते घूमते देख रहा था कि अचानक एक चिल्लाने की आवाज सुनकर चौंक उठा, मुड़कर देखा तो जमींदार साहब चिल्ला रहे थे, महाराज और एक पांव आगे मत बढ़ाइएगा, सामने देखिए क्या है। मैंने मुड़कर जब सामने देखा तो मैं भी चौंक उठा, मेरे पैर से करीब 2 अंगुल दूरी पर ही एक काला नाक फन उठाए हुए खड़ा था। जमींदार साहब के आदेश पर एक व्यक्ति दौड़कर आया और बड़े ध्यान से सांप को पकड़कर दूर फेंक दिया।
जिधर उसने फेंका था उधर घना जंगल था। सांप जंगल में विलीन हो गया, मगर किसी जमीन पर काले नाग का वास होना अत्यंत अशुभ होता है। खैर, जमीन पर बैठकर मैं पूजा करने लगा। जैसे जैसे पूजा आगे बढ़ने लगी, मैंने देखा जंगल की तरफ से वो काला धुआं फिर से इकट्ठा हो रहा है और पूजा स्थल के ठीक ऊपर एक बड़ा सा गोला बनाते जा रहा है। फिर अचानक उस धुएं के वलय में से वही चेहरा दिखने लगा। ये चेहरा मैंने देखा था गांव के मुखिया की बेटी के शरीर में। वो आंखें तुम लोग सोच भी नहीं सकते। साधारण मनुष्य तो उस दृष्टि को झेल भी नहीं सकता है, उसका तो तुरंत ही हार्ट अटैक हो जाएगा। तुम लोग तो जानते हो मैं शुभ और अशुभ दोनों तरह की पूजा कर सकता हूँ। अशुभ पूजा में अशुभ शक्ति को जागृत करके शुभ शक्ति द्वारा उसका संहार भी करा सकता हूँ। और इस पूजा की रीति नीति इत्यादि सब कुछ मैंने मधु सुंदरी देवी के द्वारा ही सीखी थी। उन्होंने मुझसे कहा था, तू साधना के पथ में बहुत आगे नहीं जा पाएगा, वो तेरे भाग्य में नहीं है। परंतु हाँ, साधना के जिस पथ पे तू बढ़ेगा, मार्ग में बहुत सी बाधाएं आएंगी, इसलिए इन बाधाओं से लड़ने का मंत्र मैं तुझे सिखाकर जा रही हूँ। ये मंत्र तुझे और तेरे शरीर में कवच बना देगा और ये कवच तुझे सारी अशुभ शक्तियों से रक्षा करेंगे और इसके द्वारा तू अशुभ शक्तियों का नाश कर सकेगा। परंतु ये कवच कभी कभी तो तेरी रक्षा कर लेगा, पर तू अशुभ शक्तियों का नाश नहीं कर पाएगा। अशुभ शक्ति अत्यंत विराट रूप में तेरे सामने आ सकती है, परंतु इस मंत्र के जाप से तू अशुभ शक्ति के बारे में सारी जानकारियां पा जाएगा। ऐसा कहकर देवी अदृश्य हो गई। मगर एक प्रश्न रह गया कि जब मैं अशुभ शक्ति का विनाश नहीं कर पाऊंगा तो फिर शुभ शक्ति से मुझे निर्देश कैसे मिलेगा? अरे देवी तो आपको एक पहेली में फंसाकर चली गई। अच्छा, इसके बाद आपने कभी देवी का दर्शन नहीं पाया? पूछ बैठा किशोरी। क्यों नहीं पाया हो तो क्या उनसे इस प्रश्न का जवाब मैंने नहीं पूछ लिया होता। तारानाथ अपनी उसी पुरानी हंसी में बहकर रह गए। किशोरी, तुम लोग बिल्कुल बालक बुद्धि हो, हर बात को बड़े साधारण रूप से सोचते हो। अरे साधारण है करके ही तो असाधारण के दर्शन हमें होते हैं। अचानक ही चारी कमरे में आई। पिताजी चलिए, काका बाबू आप लोग भी आइए, खाना खा लीजिए। अरे चलो चलो, बहुत रात हो गई है, पहले खाना खा लेते हैं। बेचारी चारी ने तुम लोगों के लिए अच्छा अच्छा खाना पकाया होगा, उसके बाद बैठकर आगे की बातें करेंगे। आज की रात तुम लोग मेरे अतिथि हो। आज का रात कितना भी गहरी हो जाए कोई चिंता नहीं, घटना पूरी करके ही छोड़ेंगे, क्या कहते हो? यहाँ बता दूं कि रात को किशोरी के घर से एक नौकर आया था, उसको हमने हमारे न लौटने की बात बता दी थी। उसने कहा था मेरे घर में बता देगा। अब हम दोनों के घर ज्यादा दूर तो है नहीं, इसलिए अब हम लोग पूरी तरह से निश्चिंत है। रात को खाना खाने के बाद, चूंकि तारानाथ और चारी के लिए एक एक ही खाट थी, जमीन में बड़ा सा बिस्तर लगा दिया गया था हम लोगों के लिए। अब हम लोग पूरी तरह से निश्चिंत।